दोस्तों, पूरी दुनिया में रेप एक ऐसा नासूर रोग बन चुका है जिसका इलाज आज तक नहीं मिल पाया। हर रोज न्यूज़पेपर के किसी ना किसी पन्ने में आपको जरूर कोई ना कोई रेप की खबर दिख ही जाती होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रेप जैसे जघन्य अपराध सिर्फ भारत में ही होते हों। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश में 6 महिला में से 1 महिला का शारीरिक शोषण प्रतिवर्ष होता है। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रीय अपराध पीड़ित सर्वेक्षण NCVS, जो यौन हमलों के साथ रेप की घटनाओं को मापता है, इन्होंने अनुमान लगाया 2015 में रेप या यौन उत्पीड़न की कुल 431,840 ऐसी घटनाएं हुई जिनकी या तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई या तो पीड़िता ने लोकलाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अमेरिका के यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट UCR के अनुसार 2018 में लॉ इन्फोर्समेंट यानी कानून प्रवर्तन की रिपोर्ट में 127,258 कन्फर्म रेप केस दर्ज हुए थे। दोस्तों, यही मैं भारत की बात करूं तो भारत में बलात्कार महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। साल 2018 में प्रति 1 लाख महिला आबादी पर 62.4% केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो साल 2018 में 58.8% थे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 378,236 मामले दर्ज किए गए थे, जहां रेप के कुल 33,356 मामले दर्ज हुए थे। दोस्तों, ये संख्या 2017 की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि 2017 में रेप के कुल कंफर्म 32,559 मामले दर्ज हुए थे। दोस्तों, हर समाज की महिलाओं को लोक लाज के साथ परिवार के इज्जत जाने का डर होता है, और यही वजह है कि आज भी लाखों की संख्या में ऐसे रेप के केस होते हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। NCRB की ताज़ा रिपोर्ट, जो कि 26 सितंबर 2020 को रिलीज हुई, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, और वर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 405,861 मामले दर्ज किए गए। दोस्तों, भारत के राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं दर्ज हुई। राजस्थान में जहां 6,000, वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 3,065 घटनाएं दर्ज की गई। भारत सरकार द्वारा समय समय पर रेप के लिए बनाए गए कानून में बदलाव किए जाते रहे हैं, परिस्थिति आज भी भयावह ही बनी हुई है। हाल ही में हाथरस कांड ने फिर से हैदराबाद और दिल्ली जैसी घटना की यादें ताज़ा कर दी, और ये बहुत ही दुखद बात है। दोस्तों, आज भी न जाने कितने हाथरस जैसी घटनाएं रोज होती होंगी। दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बीमारी का इलाज हो सकता है, पर मानसिकता का नहीं। बदलते युग के साथ पूरे विश्व में रेप जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। आज के समय में आपको ऐसे बहुत ही कम देश मिलेंगे जहाँ महिलाएँ पूर्णतः सुरक्षित हों। महिलाओं की सुरक्षा के साथ ऐसी मानसिकता से लड़ने का आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में एक ऐसा कानून भी है जहाँ अगर महिला आत्मरक्षा के लिए किसी इंसान की जान ले सकती है अगर उस पर रेप जैसा कुछ अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिए।